जय भोले की हर हर महादेव बम बम भोले। आज मैं आपको सुख सागर 11वें स्कंद का 14वां अध्याय सुना रही हूँ। भक्ति योग महिमा कथन पुने हरि चिंतन योग, हरि ने उद्धव सो कहो नाशक भव निधि रोग। सुनी उद्धव जी बोले, श्री कृष्ण ब्रह्म वेता महर्षि बहुत से श्रेष्ठ मार्ग बताते हैं, उन सब में सभी प्रधान है, वह उनके विकल्प से प्रधानता है या किसी की एक प्रधानता है। हे स्वामी, आपने फल के अनुसंधान यानी इच्छा रहित भक्ति योग को कह दिया, जिससे आप में मन प्रविष्ट हो जाए। श्री भगवान बोले, हे उद्धव, यह वेद लक्षण वाणी समय पाकर नष्ट हो गई थी, तब फिर पहले मैंने इनको ब्रह्मा जी की बताई। ब्रह्मा जी ने मनु को, मनु जी से भृंगु आदि सात ऋषियों ने वेद वाणी की शिक्षा प्राप्त की, उन सप्त ऋषियों से उनके पुत्रों ने तथा देवता दैत्य किन्नर गंधर्व विद्याधर चारण आदि को ने ग्रहण की। ये सत्व रज और तम की प्रकृति है, इन्हीं प्रकृतियों से देवता मनुष्य और असुर आदि में भेद हो जाता है। इसी तरह प्रकृति की विचित्रता से ही मनुष्य की बुद्धि भी भिन्न भिन्न होती है, किन्हीं लोगों की बुद्धि विद्वानों के उपदेश से बदल जाती है, कुछ लोग पाखंड मत के होते हैं। ये सब मेरी माया से मोहित बुद्धि होकर अनेक प्रकार के कल्याण के मार्गों को कहने लग जाते हैं। मीमांसक लोग कर्म को ही कल्याणकारी मार्ग कहते हैं, वाक्य और अलंकारों के करने वाले यश को ही श्रेष्ठ मार्ग कहते हैं, योग शास्त्र के बनाने वाले शम दम को ही कल्याण का मार्ग बताते हैं, चारुक मत वाले भोजन को ही पुरुषार्थ कहते हैं, कुछ लोग यज्ञ तप व्रत दान यम नियम को ही श्रेष्ठ का मार्ग बताते हैं, परंतु इससे प्राप्त होने वाले स्वर्ग आदि फल सब अनियत हैं और सब अंत में दुख देने वाले होते हैं, इसीलिए ये सब तुच्छ है। हे उद्धव, मुझ में समर्पण की हुई आत्मा वाले पुरुष को जो सुख प्राप्त होता है वह विषय आत्माओं को कहां से हो सकता है। इस प्रकार मुझ में ही संतुष्ट मन वाले शांत और समचित वाले पुरुष को सभी दिशाएं सुख में हो जाती है। इस प्रकार मुझ में ही आत्मा को अर्पण कर देने वाला पुरुष न तो ब्रह्म लोक को चाहता है और न चक्रवर्ती राज्य को और न सार्वभौम पद को और न योग की सिद्धियों को और यहाँ तक कि वह मोक्ष की भी इच्छा नहीं करता, मैं ही उसका प्रिय हूँ, मेरे सिवाय और कुछ चाहता ही नहीं है। हे उद्धव, जैसे तुम मेरे प्यारे हो वैसे न तो ब्रह्मा जी और न शिव जी और न बलदेव जी और लक्ष्मी जी ही प्रिय है तथा न अपनी देह ही उतनी प्रिय है। साधारण भी मेरा भक्त विषयों से आकृष्ट किए जाने पर भी समर्थ होता हुआ मेरी भक्ति के कारण उन विषयों से वह परमानंद प्राप्त नहीं कर सकता। हे उद्धव, खूब जलती हुई अग्नि जिस प्रकार कष्टों को पूर्णतया भस्म कर देती है, उसी तरह मेरी भक्ति पापों को नष्ट कर देती है। दूसरे जितना मुझे भक्ति से प्रसन्न किया जाता है उतना तपस्या विद्या वर्त आदि से नहीं, मैं एक भक्ति से ही वश
में हो सकता हूँ। मेरी भक्ति चंडाल आदि को भी जाति के दोषों से मुक्त कर देती है। सत्य और दया से युक्त हीन नर को पवित्र नहीं कर सकता। रोमांच हुए बिना, आनंद के आंसू बहाए बिना, कैसी मेरी भक्ति? भक्ति के बिना मन ही कैसे शुद्ध हो सकता है? मेरी भक्ति से जिसका चित वाणी से गदगद हो जाता है, कभी मेरी भक्ति के आवेश में आकर रोने लग जाता है, कभी हंसता है और कभी नाचता है, वह मेरा भक्त तीनों लोकों को पवित्र बना देता है। जिस तरह अग्नि में तपा हुआ स्वर्ण मल को छोड़कर निज रूप को प्राप्त हो जाता है, उसी प्रकार आत्मा भी कर्म कामनाओं को त्याग कर मेरे रूप को प्राप्त हो जाता है। दूसरे जैसे चित मेरी कथाओं को सुनने से शुद्ध होता है, वैसा अन्य उपायों से शुद्ध नहीं होता। विषयों के चिंतन से चित विषयों में ही आसक्त हो जाता है। इसी तरह मेरा स्मरण करते हुए मुझ में ही लीन हो जाता है। इसीलिए और सब साधनों को मिथ्या समझकर मुझ में ही मन लगावे। स्त्रियों के और स्त्री संगियों के संग को छोड़कर एकांत में स्थित होकर मेरा चिंतन करे, जैसा कलेश स्त्री के संग से तथा स्त्रियों के संगियों से होता है, वैसा कलेश अन्य से नहीं होता। हे कृष्ण, मुमुक्षु पुरुष जिस प्रकार आपका ध्यान करे, उस ध्यान को मुझे आप बताइए। श्री भगवान बोले, सम आसन पर बैठ जाए और दोनों हाथों को गोदी में रख कर नासिका के अग्र भाग में ही दृष्टि रखता हुआ पूरक कुंभक रेचक नामक प्राणायामों से प्राण मार्ग का शोधन करे। घंटा के शब्द के समान ओमकार को मूल से लेकर ऊपर को मूर्धा स्थान के अग्र भाग तक ले जाकर स्थिर करें। इस प्रकार प्रणव यानी ओमकार युक्त प्राणायाम का प्रतिदिन 10 बार अभ्यास करके एक मास के पहले चित प्रणाम हो जाता है। इसके बाद उदर को नाल वाले और नीचे को मुख वाले देह के अंदर रहने वाले हृदय के कल उदरों को मुख रूप से ध्यान करके उसे कमल की कर्णिका में सोम आदि के अंतरंग अग्नि मंडल में चतुर्भुज प्रसन्न मुख शांत सुख पोल कुंडलों से दिदीप्यमान पीताम्बर धारण किए हुए श्री वत्स चिन्ह युक्त संघ चक्र आदि युक्त वन माला से सुशोभित मेरे रूप का ध्यान करें। मेरे सभी अंगों में मन को ले जाता हुआ मेरा ध्यान करें। विषयों से इंद्रियों को मन से खींचकर और उन्हें मन को बुद्धि से खींचकर सर्वांग युक्त मेरे स्वरूप में मन को लगाए। सब अंगों में व्याप्त हुए मन को सब अंगों से खींचकर एक जगह स्थिर करके मंद मंद मुस्कान युक्त मेरे मुख का ही चिंतन करता रहे। फिर उस मन को कहीं अंत न ले जाए। सरोकार स्वरूप मुझ में मन को धारण करके और उन कारणों को भी त्याग कर ध्याता थे। इस पृथकता को भी चित से हटा कर केवल मेरा ही मेरा ध्यान करता रहे।
इस तरह समाहित बुद्धि जब हो जाए तब मुझे आत्मा में और आत्मा को मुझ में देखे, जैसे ज्योति में ज्योति को युक्त देखते हैं। इस प्रकार तीव्र ध्यान से मन को संयुक्त करते हुए योगी का दृश्य दृष्टा और दर्शन रूप ब्रह्म भी शांति होता है। बोली कृष्ण भगवान की जय। 14वां अध्याय समाप्तम। जय भोले की। 15वां अध्याय यह आप दूसरी वीडियो में सुने। जय भोले की। हर हर महादेव। बम बम भोले।